नगर पंचायत बलौदा में लॉकडाउन का जोरों से दिख रहा है असर। थाना प्रभारी व तहसीलदार की सजगता से कड़ाई से हो रहा है लॉकडाउन के नियमों का पालन। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार संपूर्ण जिला क्षेत्र में लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। इसी के तहत पूरे जिले क्षेत्र में लॉकडाउन नियम के चलते इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसका प्रभाव आसपास के नगरपालिका नगर पंचायत क्षेत्रों में भी साफ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें बलौदा थाना प्रभारी व तहसीलदार के द्वारा प्रशासनिक स्तर पर लॉकडाउन आदेश का चुस्त दुरुस्त के साथ पालन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिला के अंतिम छोर बॉर्डर के करीबी होने के कारण बलौदा में बैरिकेड भी लगाए गए हैं और नगर पंचायत के अधिकारी व पुलिस स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई है। जिला से बाहर जाने व दीगर जिला से आने वाले व्यक्तियों की ई पास की जांच की जा रही है। साथ ही अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों के ऊपर चलानी कार्यवाही भी की जा रही है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर बालेश्वर कश्यप नवागढ़ राजा भाटा के साथ। यहाँ कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार यहाँ नगर पंचायत बलौदा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे व्यक्तियों का चालान काटा जा रहा है। यहाँ जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, उन लोग का चालान काटा जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का 100-100 रुपये चालान काट रहे हैं। अभी तक हमारा ड्यूटी के अनुसार जैसे दो बजे से अभी दो घंटा तक 15 से 20 व्यक्तियों का काटा गया है। उन लोग का करीबन 2000 के लगभग काटा गया है। जी दूसरा जिले से जैसे आ रहे हैं बिना पास के लोग हैं उसको फिर उन लोग के लिए क्या? उन लोग का भी वही नियम है, वही मतलब जैसे सब जने व्यक्ति का जैसे वो नहीं लगाए हैं, मास्क नहीं लगाए हैं या पास नहीं है तो उन लोग का काटा जा रहा है 100-100 रुपये का। और जैसे ई पास अभी जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके अनुसार जैसे ई पास का आज का डेट देखते हुए उनका पास किया जा रहा है। क्या उन लोग कुछ समझाइश दिया जा रहा है? और कुछ उन लोग को यही समझाइश दिया जा रहा है कि COVID-19 के तहत इस महामारी फैल रहा है, इसके तहत सावधानी बरते और समर्थन किया जाए। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपांकर यादव है, मैं नगर पंचायत कर्मचारी हूँ, सहायक राजस्व निरीक्षक।